न होश न खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिल पर। माधुरी और करीना दोनों सास बहू बहुत ही फिल्मी मिजाज के होते हैं। दोनों को फिल्मी डायलॉग्स बोलना और फिल्मी गानों पर डांस करना बहुत पसंद था। ये लो भुक्कड़ मालकिन, मुझे तो आपने बस नौकरानी बना कर रखा है, खाओ अभी ये पकवान। अरे करीना, बुरा क्यों मानती हो, रिश्ते में हम तुम्हारी सास लगते हैं, नाम है माधुरी। अबे ओए माधुरी की बच्ची ठूस लेना। ओहो मेरा मतलब माची खा लो ना। एक दिन की बात है, माधुरी की साड़ियों को चूहों ने कुतर दिया होता है और इसीलिए माधुरी फूट फूट कर रो रही होती है। हाय मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई, इतनी महंगी साड़ियाँ, अब मैं क्या करूँगी बहू। माँ जी आई हेट टीयर्स, मैं आज आपको नई साड़ियाँ खरीद कर देती हूँ, लेकिन पैसे तो आपके ही होंगे। सास बहू दोनों की फिल्मी मस्ती दिन भर चलती ही रहती है। बहू मेरे पास ना एक सॉलिड आइडिया है, क्यों ना हम दोनों सास बहू मिलकर एक ढिंचैक म्यूजिक वीडियो बनाए। आइडिया इतना भी बुरा नहीं है जितनी आप हो। करीना और माधुरी दोनों मिलकर म्यूजिक वीडियो की सारी प्लानिंग करते हैं और फिर करीना और माधुरी अपने पति राहुल और केशव के साथ जंगल में शूटिंग करने निकल पड़ते हैं। राहुल बेबी कैमरा ठीक से प्लेस करना हूँ और लाइट भी अच्छी आनी चाहिए इस अंधेरे में। न होश न खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिल पर, तुमसे मिलने के बाद दिल पर, दिल पर दिल पर दिल पर, हाँ दिल पर दिल पर दिल। उस म्यूजिक वीडियो में राहुल और केशव भी सास बहू के साथ डांस करने में शामिल हो जाते हैं। करीना बहू अब ये जंगल वाला सीक्वेंस तो हो गया, अब हम जाएंगे हवेली में, यहाँ पास में एक हवेली है, सुना है वहाँ पर बहुत सारा सोना है, हम उस सोने को पहनकर वीडियो शूट करेंगे। हाँ माँ जी। लगता है ये म्यूजिक वीडियो पक्का मिलियंस व्यूज लाएगा, क्योंकि आप दोनों ही इसमें एकदम कमाल की लग रही हो। हाँ हाँ, और बेटा तुम्हारी माँ तो कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही है। जी क्या आप भी। चारों कार में सवार होकर उस हवेली की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी आता है। रुक जाओ, आगे मत जाओ। क्यों रे बुढ़ऊ, आगे क्या मौत का कुआं है क्या? हाँ कुछ वैसा ही समझो। अरे जिस हवेली की ओर तुम चारों अपने कदम बढ़ा रहे हो, वो हवेली एक भूतिया हवेली है जिसमें पिशाचनी रहती है, 500 साल पुरानी पिशाचनी, और उसे बस इंसानी मांस की भूख रहती है, वो तुम चारों को खा जाएगी। मैं भी एक महीने से आया हूँ यहाँ पर, ये इलाका बहुत डरावना है। अरे छोड़ो यार, क्या आप भी माँ जी यूं ही किसी की भी बातों में आ जाती हो, चलो म्यूजिक वीडियो शूट करना है ना। हाँ बहू। राहुल बेटा तू गाड़ी चला। वो चारों उस बूढ़े आदमी की बात को टाल कर आगे जाते हैं और हवेली में घुसकर वो सबसे पहले अपना कैमरा प्लेस कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन चारों के सामने सोए हुए सारे कंकाल जाग उठते हैं और वो उनकी तरफ आने लगते हैं। नहीं बचाओ, नहीं नहीं बचाओ। वो चारों अपने आप हवेली के बड़े बड़े खंभों से बंध जाते हैं और उनके मुंह पर भी अपने आप टेप लग जाता है। तभी उनके सामने पिशाचिनी आती है और पिशाचिनी का भयंकर और खूंखार रूप देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम लोगों को क्या लगा कि तुम मेरी हवेली में आकर मुफ्त में म्यूजिक वीडियो शूट करोगे? अरे अगर म्यूजिक वीडियो शूट करना है तो उसकी कीमत भी देनी होगी, और वो कीमत होगी तुम्हारी जान की। मैं तुम चारों को खा जाऊंगी क्योंकि मुझे इंसानी मांस बहुत पसंद है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना ही अपने मुंह से अपने भगवान का कोई मंत्र बोल सकते हो। पिशाचिनी उन चारों को खाने जाती है और चारों ऊपर से नीचे तक कांप रहे होते हैं। तभी वहाँ पर दरवाजा तोड़कर वो बूढ़ा आदमी आता है जिसके हाथ में हनुमान जी की गदा होती है। बूढ़ा आदमी उस गदा से पिशाचिनी को मारता है और तभी पिशाचिनी खत्म हो जाती है।
नहीं, पिशाचनी भस्म हो जाती है और सभी कंकाल भी मिट्टी में बदल जाते हैं और चारों उन खंभों से आजाद हो जाते हैं। रोहन अपनी माँ, बेबी और बच्चे के साथ कार में गांव जा रहा था। सुनिए जी, ये रास्ता कितना वीरान है, कोई और रास्ता नहीं है क्या आपके पास गांव जाने का? अरे रास्ता तो है, लेकिन उसमें बहुत भीड़ होती है, यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। पापा गाड़ी रोको, मुझे सुसु आ रही है। अबे तेरी सुसु हमेशा गलत टाइम पे क्यों आती है? अरे रोक देना गाड़ी कहीं पर, खुद तो जब इसकी उम्र का था तो मेरी साड़ी पर ही सुसु कर दिया करता था, इसने कम से कम तुझे बता तो दिया। रोहित और नेहा जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे क्या माँ, आप भी कहीं भी कुछ भी बोल देती हैं, देखती भी नहीं है कहाँ पे हैं। लेकिन अभी तो बारिश हो रही है, इतनी बारिश में ये कहाँ जाएगा? पापा देखो वहाँ पे एक होटल है, चलो ना आज उसी में रुक जाते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ ठीक है, वहाँ चलते हैं। कार से उतरकर चारों लोग होटल में जाते हैं। अरे ये होटल तो बहुत भूतिया लग रहा है। तू चिंता मत कर बहू, तुझसे तो कम ही भूतिया होगा। आप कुछ भी बकवास मत कीजिए। होटल का दरवाजा अचानक से अपने आप खुल जाता है। अरे ये अपने आप कैसे खुल गया? अरे तुम भी ना कितनी डरपोक हो, टेक्नोलॉजी का कमाल है ये। तभी सास जैसे ही होटल के अंदर पैर रखती है तभी नीचे एक आदमी लेटा हुआ नजर आता है। अरे तुम कौन हो? अरे माँ जी पाए लागू, मैं इस होटल का रामू काका हूँ। तो मेरे पैर तो छोड़ कमबख्त। अंदर आने के बाद सब देखते हैं कि होटल में बहुत सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। अरे वाह मम्मी, इस जगह पे तो बहुत सारी भीड़ है, लगता है यहाँ खाना बहुत ही अच्छा मिलता होगा। हाँ बेटा वो तो है। मम्मी चलो ना मुझे सुसु करवा दो, मैं अकेली नहीं जाऊँगा। चल ठीक है। नेहा अपने बेटे को लेकर वॉशरूम की तरफ जाती है। वॉशरूम में नेहा बाहर खड़ी रहती है और रोहित अंदर। रोहित शीशे में देखते हुए अपने हाथ धो रहा होता है, तभी उसे ऐसा लगता है कि शीशे में उसकी परछाई मुस्कुरा रही है। रोहित बहुत डर जाता है। मम्मी मम्मी जल्दी यहाँ आओ। नेहा बिना कुछ सोचे समझे ही जेंट्स वॉशरूम में घुस जाती है। अरे क्या हुआ बेटा? अरे मैडम आपको तमीज नहीं है क्या, जेंट्स वॉशरूम में आ गई आप? माफ कीजिएगा बेवकूफ कहीं का, तेरी वजह से लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। लेकिन मम्मी। कोई लेकिन विकिन नहीं, चल चुपचाप। अरे वाह इस होटल में खाने की तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सास आसपास के लोगों को देखती है, वो बहुत ही चुपचाप होते हैं और कुछ भी खा नहीं रहे होते हैं। अरे इतना अच्छा खाना होते हुए ये लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? अरे मम्मी उनका पेट भरा हुआ होगा। अजीब बात है आजकल, लोग खाना ऑर्डर कर लेते हैं लेकिन खाना आता है तो छूते तक नहीं है। आपकी आदत नहीं जाएगी ना दूसरों की थाली में झांकने वाली। तभी एक वेटर खाना लेकर आता है। अरे अंकल अपना चेहरा तो दिखाओ, आप मुंह दिखाई लोगे क्या? अरे तुझे तमीज नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं, चुप। कोई बात नहीं साहब, बच्चा है। इसके बाद सब लोग खाना खाते हैं। आज तो फैमिली डिनर हो गया मम्मी जी। सब लोग खाना खाते हैं और लास्ट में बिरयानी खाते हैं। तभी सास की थाली में से एक इंसान की उंगली निकलती है। हे भगवान ये क्या है? अरे ये तो किसी इंसान की उंगली है। अचानक से आसपास के सभी लोग कंकाल में बदल जाते हैं और होटल एकदम वीरान बन जाता है। मैंने बोला था मम्मी इस होटल में भूत है, अब क्या करें? चलो भागो सब यहाँ से। तभी अचानक से सास को टेबल के नीचे से कोई खींचने लगता है। अरे बचाओ बचाओ मेरा पैर। रोहन सास को छुड़वा लेता है। सब लोग बाहर भागने लगते हैं, तभी दरवाजे के सामने वही वेटर आकर खड़ा हो जाता है। अरे साहब खाना तो पूरा खा कर जाइए। नहीं नहीं हो गया, हमारा पेट भर गया भाई। वेटर अपना चेहरा दिखाता है, उसका चेहरा उल्टा घुमा हुआ होता है। वो पीछे कंकाल देख रहे हैं आप लोग, ये लोग भी इसी होटल में आए थे और बिना खाना खाए जाने लग गए, तो मैंने इन सबको खा लिया और अब तुम लोगों को खाऊंगा, चलो सारा खाना खत्म करो। नेहा अपने फोन में हनुमान जी की फोटो निकालती है और हनुमान चालीसा लगा देती है। वेटर का भूत पागल हो जाता है। बंद करो इसे, बंद करो। नेहा अपना फोन वहीं रख देती है और सब लोग बड़ी ही तेजी से गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। तभी आगे आकर एक भूतनी खड़ी हो जाती है। रोहन भूतनी को कुचलते हुए कार को भगाता है और उस गांव से निकल जाता है।